नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका स्वागत है अपने पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं अभिषेक गुप्ता लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय CGHS सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मंत्रालय ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ 5 साल का एक समझौता किया है। इसके तहत रेगुलर इवैल्यूएशन एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के जरिए लड़खड़ाती सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस इकोसिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। इससे लाभार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। CGHS के तहत इम्पैनल डॉक्टर्स और लैब नेटवर्क का भी विस्तार किया जाएगा। बैंक और NBFC अब ग्राहकों से लोन के ड्यूरेशन के दौरान बताए गए शुल्कों के अलावा कोई दूसरे शुल्क नहीं वसूल पाएंगे। RBI ने बैंकों और NBFC के लिए 1 अक्टूबर से कर्ज लेने वाले ग्राहकों को ऋण समझौते के बारे में सभी जानकारी सरल भाषा में देना अनिवार्य बना दिया है। की फैक्ट स्टेटमेंट यानी कि KFS में ब्याज और अन्य लागत समेत लोन एग्रीमेंट के बारे में सभी जानकारी दी जाएगी। 1 अक्टूबर 2024 को या उसके बाद स्वीकृत सभी नए रिटेल लोन के मामले में दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का उपयोग करने के लिए फीस देनी होगी। एक्स के नए यूजर से पोस्ट शेयर करने, किसी पोस्ट को लाइक करने, बुकमार्क और किसी पोस्ट पर रिप्लाई के लिए शुल्क लगाने की घोषणा की है। कंपनी ने फर्जी अकाउंट्स की बढ़ती संख्या पर काबू पाने के लिए यह कदम उठाया है। नए शुल्क मानदंड कब से और कहां से लागू होंगे, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। एक्स के नए मालिक एलन मस्क ने कहा है कि फर्जी अकाउंट्स को रोकने के लिए बस यही एकमात्र तरीका है। बैंकों की बिगड़ती वित्तीय सेहत को देखते हुए RBI ने 2 बैंकों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसकी वजह से इन बैंकों के ग्राहक अब केवल एक सीमा के भीतर ही खाते से पैसे निकाल सकेंगे। केंद्रीय बैंक ने मुंबई से सर्वोदय सहकारी बैंक और उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर अंकुश लगाए हैं। सर्वोदय सहकारी बैंक ग्राहकों के लिए निकासी सीमा 15,000 रुपये तय की गई है। वहीं नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अपने खातों से केवल 10,000 रुपये ही निकाल सकेंगे। ये दोनों बैंक RBI की पूर्व मंजूरी के बिना कोई नया लोन नहीं सकेंगे और ना ही कोई नया कारोबार कर सकेंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी उन कंपनियों की संपत्ति नीलाम करेगा जिन्होंने निवेशकों से अवैध तरीके से धन एकत्रित किया है। सेबी ऐसी 7 कंपनियों की करीब 30 संपत्तियों की नीलामी 15 मई को आयोजित करेगा। जिन कंपनियों की संपत्ति नीलाम होगी उनमें मंगलम एग्रो प्रोडक्ट्स, पुरुषोत्तम इन्फोटेक इंडस्ट्रीज, विशाल ग्रुप ऑफ कंपनीज, NVD सोलर लिमिटेड, सन प्लांट बिजनेस, सुमंगलम इंडस्ट्रीज एंड जीवन साथी ड्रीम प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। नीलामी 15 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ऑनलाइन आयोजित होगी। आदित्य बिड़ला कैपिटल ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का मकसद बिना किसी परेशानी के नए कस्टमर्स को जोड़ना है। कंपनी ने अगले 3 सालों में अपने ग्राहकों की संख्या डबल करने का लक्ष्य रखा है। आदित्य बिड़ला कैपिटल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंश्योरेंस, लेंडिंग और एसेट मैनेजमेंट आदि सेक्टर्स में 22 तरह की सेवाएं हासिल कर सकते हैं। जियो फाइनेंशियल ने वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए ब्लैक रॉक के साथ एक नया ज्वाइंट वेंचर बनाने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद जियो फाइनेंशियल के शेयर 5% तक उछल गए। अमेरिका की निवेश कंपनी ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। जियो फाइनेंशियल ब्रोकिंग बिजनेस के जरिए ग्राहकों को निवेश की सुविधा प्रदान करेगी। जियो फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को बदलने और भारत में निवेशकों के लिए नए समाधान पेश करने पर काम कर रही है। सीनियर सिटीजन के बीच फिक्स डिपॉजिट स्कीम की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। इसकी प्रमुख वजह इस जमा योजना पर मिलने वाली ऊंची ब्याज दर है। FD में जमा राशि बढ़ने से सरकार को भी खूब फायदा हुआ है। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में FD पर कमाए गए ब्याज पर वरिष्ठ नागरिकों से सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला है। कुल जमा राशि वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में 143% बढ़कर 34 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो 5 साल पहले 14 लाख करोड़ रुपए थी। RBI बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली FD पर ब्याज दरों को घटा दिया है। ब्याज दर में कटौती कैलिबल FD पर हुई है। कैलिबल FD में मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने की अनुमति होती है। RBI बैंक सामान्य ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल वाली FD पर 3% से लेकर 7% तक ब्याज दे रहा है। सीनियर सिटीजन को 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर 3.5% से लेकर 7.5% तक ब्याज मिल रहा है।
देश में बेरोजगारी दर घटने वाली है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2028 तक बेरोजगारी दर में 0.97% की कमी आ सकती है। देश की अर्थव्यवस्था के 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे बेरोजगारी दर घटेगी। श्रमबल में बिना रोजगार वाले लोगों का प्रतिशत यानी कि बेरोजगारी दर 2024 के 4.47% से घटकर 2028 में 3.68% होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का रोजगार बाजार व्यापक बदलाव का अनुभव कर रहा है। कोविड महामारी के बाद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अब आप मनीनाइन की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है, म्यूचुअल फंड से निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है, तो सीधे पूछें अपने एक्सपर्ट से सिर्फ मनीनाइन पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉगिन कीजिए मनीनाइन के ऐप में। मनीनाइन के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनीनाइन का सुपर ऐप। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.moneynine.com पर जाएं। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनीनाइन ऐप को भी डाउनलोड कर लें। जानना है तो देखिए, समझना है तो सुनिए, सीखना है तो पूछिए, और कमाना है तो खरीदिए। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनीनाइन। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें। बने रहिए मनीनाइन के साथ। नमस्कार।